गुड इवनिंग प्लस टू वाले, और इसे कोई भी सीख सकते हैं ग्रामर शुद्धिकरण के लिए। क्वेश्चन टैग लेके हम आए हैं। क्वेश्चन टैग जब दो लोगों की बात बीच बात होती है कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। ये भी प्रश्न अंतिम में पूछा जाता है। द इंट्रोगेटिव पार्ट दैट कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। वह प्रश्नवाचक भाग जो वाक्य अंत में आए उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे तुम अनिता हो ना, ना ना जो क्वेश्चन हो गया है ना कि नहीं है, बोलो। आप एक कुमार है ना, आप मछली खाते हैं ना, तुम चाय पीती हो ना, इससे प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न सहायक क्रिया से पूछते हैं आर यू अनिता, ठीक है, हु आर यू, आप कौन है, या यू आर अनिता आरंट यू। तीनों प्रकार के क्वेश्चन हो गया। टैग वाला है यह भाग हम आपको पढ़ा रहे हैं। 1 से 5 रूल तक आज हम समाप्त कर देगा। अगले दिन एक दिन और क्लास होगा, यह भी समाप्त हो जाएगी। याद रखिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऑग्जी भाव के साथ यानी हेल्पिंग भाव प्लस नोट के संक्षिप्त रूप को थोड़ा जान लीजिए। वैसे हमने दिया था कंट्रेक्शंस में डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, एम नॉट का अरंट होता है अमंट नहीं, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का अरंट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, वाज नॉट का वाजंट, वेयर नॉट का वरंट, शैल नॉट का शांट, विल नॉट का वॉन्ट, कैन नॉट का खांट, सुड नॉट का सुडंट, उड नॉट का उडंट, कुड नॉट का कुडंट, मे नॉट का मे नट, माइट नट, आउट नॉट का आउट नट, मस्ट नट, इज नॉट इज नट, नीडंट नीड नॉट का डेरंट, डेयर नॉट का। इंट्रोगेटिव पार्ट व्हिच कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। यह जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपसी वार्तालाप में वक्ता श्रोता के बीच होती है। जो वक्ता अपनी बात का कंफर्मेशन चाहता, पुष्टि चाहता है, जो यू टेक टी, चाय पीती हो, डोंट यू, क्या नहीं पीती हो, आर यू अमिताभ बच्चन, आरंट यू, क्या आप अमिताभ बच्चन है ना, ये ना से क्वेश्चन पूछा, कंफर्मेशन चाहता है। तो ये जो भाग देखते हो कॉमा के बाद और प्रश्नवाचक चिन्ह में, ये क्वेश्चन टैग है। शी इज क्यूट, वह खूबसूरत है, इजंट सी, है ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है ना, आई लाइक यू, डोंट आई, मैं तुम्हें पसंद करता हूं ना, यानी क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपसी वार्तालाप में किया जाता है। इसका उद्देश्य यानी पर्पस श्रोता का ध्यान वक्ता के कथन की ओर आकर्षित करना, अपने कथन की पुष्टि करने की चाहत में होती है। अब क्वेश्चन देख लो, बड़ी सिंपल है। जब जब सब्जेक्ट हो, प्लस V1 हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, टेंशन मत लेना। सब्जेक्ट के साथ V1 देखना तो उसके टैग में डोंट वाला खोजना या डोंट वाला लगाना, प्लस वही सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज करना। प्रोनाउन का मतलब आई है तो आई, यू है तो यू, ही है तो ही, सी है तो सी, इट है तो इट, दे है तो दे, जो भी प्रोनाउन है। लेकिन नाम है राम तो मेल के लिए ही, फीमेल है सीता, सीता के लिए शी, नपुंसक लिंग कलम वगैरह है उसके लिए इट, बहुवचन को संज्ञा है दे, यानी नाउन को प्रोनाउन बनाना। लेकिन प्रोनाउन ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन के रूप में ही क्वेश्चन टैग में दोहराते हैं, सब्जेक्ट रिपीट करते हैं। जैसे मान लो एक देखो सब्जेक्ट प्लस लाइक V1 हो गया, अन्य शब्द कुछ है उससे कोई मतलब नहीं, और कॉमा के बाद टैग लगाना चुनना है। तो हम जानते हैं V1 वाले में डोंट चुनेंगे जब सब्जेक्ट के साथ हो, तो डोंट कहाँ है, डोंट यहाँ है। और सब्जेक्ट आई है, आई को रिपीट करेंगे फिर से प्रोनाउन के रूप में, तो आई आई होगा, यानी आंसर कौन सा होगा, डी होगा। तो चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, डोंट आई, मैं पसंद करता हूं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स को, पसंद करता हूं ना, यानी हाँ करता ही हूं। आगे देखिए, दे प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन, वे लोग फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते। दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले V1 हो गया, अन्य शब्द कुछ हो, फिर हमको V1 वाले में चुनना है, डोंट, डोंट कहाँ है यहाँ, और दे सब्जेक्ट है रिपीट करेंगे, डोंट दे, यानी हाईलाइट करेंगे फिर से हम डी को, यानी आप सीख रहे होंगे सब्जेक्ट के साथ V1 जब जब हो आंसर सेम हो रहा है, डोंट प्लस सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है प्रोनाउन के रूप में, ठीक ना। आगे आओ, कुछ नहीं है भाता जब सिंपल लग जाता, वी लव अवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं ना। अब क्वेश्चन टैग खोज रहा करा कि ऐसा चिन्ह लगा दिया कॉमा लगा के, तो टैग भर रहा, V1 वाले में डोंट होगा डोंट, और वी सब्जेक्ट रिपीट हो रहा डोंट वी, टेंशन काहे को लेने का, टेंशन नहीं लेने का, समझने का, एकदम फारू पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। आइए हम लोग देखता है मनुष्य, यू हेट हर, तुम उससे नफरत करती हो, अब यहाँ V1 है तो डोंट, डोंट यहाँ है, यू रिपीट करेंगे, डोंट यू, सीख रहा हो ना। आई नो एवरीथिंग अबाउट मिस्टर कुमार, मैं मिस्टर कुमार के बारे में सब चीज जानती हूँ ना, नो V1 है सब्जेक्ट के साथ डोंट, आई है रिपीट तो आई, डोंट आई, डिडंट नहीं, डिड आई नहीं, डू आई नहीं, डोंट, चूंकि इधर अफर्मेटिव है तो इधर निगेटिव में ही चुनेंगे मेरे बच्चे,
यदि भी वन नहीं हुआ तो क्या हाल होगा, कुछ नहीं होगा। देखो वेरी सिंपल है, मैं फिर जादू बता रहा हूं। यदि भी वन है तो भी फाइव मीन एस सी एस, क्रिया में जब एस सी एस लग जाए तो भी फाइव होता है, एस सी एस लग जाए तो डू में ई एस लगेगा, डज हो जाएगा। और चूंकि इधर अफर्मेटिव है तो उधर डोंट हुआ था, इधर डजंट होगा। इसमें जितने भी फाइव वाले हैं डजंट वाला चुनना और सब्जेक्ट को रिपीट उसी तरीका से करना जैसे हम किया। जैसे लिव्स एट काशीपुर, वह काशीपुर में रहती है, यहाँ पर लिव्स भी फाइव एस वाला देखते हैं तो डज वाला चुनेंगे, और उसे नट हो डजंट, असी है तो सी रिपीट हो जाएगा, यानी हम हाईलाइट करेगा एस को। सी स्विम्स इन द रिवर, यहाँ एस लग गया इसका मतलब डजंट होगा, और ही है तो ही, सी रहता तो सी, यानी सब्जेक्ट रिपीट होगा ही है, चूंकि तो ही वाला ही चुनेंगे। और राधा डांसेज ऑन द स्टेज, अब देखो डांसेज भी फाइव है डजंट तो चुनेंगे, और राधा फीमेल है तो नाम का रिपीट नहीं करेंगे, नाउन के बदले प्रोनाउन लाएंगे, राधा फीमेल के लिए सी तो डजंट सी। यहाँ पर मान लो रामू रहता तो ही हो जाता। आगे देखिए पांच पांच क्वेश्चन भी बनवा रहे हैं। ही स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, वह हिंदी अंग्रेजी एस लग गए देख रहे हो, तो भी फाइव में डजंट चुनेंगे, डजंट ही है तो ही, कोई समस्या नहीं लो। मिस्टर कुमार टीचेज मी विद लव, मिस्टर कुमार मुझे प्यार से पढ़ाते हैं, प्रेम से पढ़ाते हैं, मारते नहीं है, पीटते नहीं है, धांसू नहीं है। धांसू वाले एक्शन में हमको आंसू आ जाता है। मैं हूं नारियल की तरह ऊपर से थोड़ा कड़ा, नीचे से बड़ी सॉफ्ट, तो नारियल की तरह हो ऊपर से एकदम, अंदर मनुष्यता रखो, मानवता रखो, तो हम लोग रखता है थोड़ा प्रोफेशनल ऊपर से है। तो मिस्टर कुमार यहाँ पर टीचर है बी फाइव डजंट हम देंगे, मिस्टर कुमार मेल है ना तो मेल के लिए ही देंगे सी नहीं। राम राइट्स भी फाइव आ गया डजंट, राम नाम है मेल का ही हो जाएगा। अब देखिए कितना मजा आ रहा, सर यदि भी वन भी नहीं हो भी फाइव भी नहीं हो तो बउआ भी टू होगा, अब भी थ्री होगा तो भी थ्री बिना सहायक क्रिया का नहीं आता, अब टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले जो मैं बता भी वन वाला में डोंट, भी फाइव वाला में डजंट, और भी टू वाला में डिडंट पास्ट में, अब पहले सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे प्रोनाउन के तौर पर में देखेंगे भी टू है तो डिडंट सब्जेक्ट के साथ प्लस सब्जेक्ट, जैसे राम वेंट, वेंट भी टू हो गया, डिडंट हम चुनेंगे डिडंट, राम नाम है मेल का ही डिडंट ही। समझदानी गरम हुआ, शीला स्लैप्ड ऑन हिज चिक्स, शीला उसे गालों पर तमाचा मारी ना। अब यहां भी टू है स्लैप्ड डिडंट देंगे, और शीला थर्ड पर्सन फीमेल है सी देंगे, डिडंट सी कहीं है डिडंट सी या। He bought two new cars. Bought V2 है तो हम सर क्यों हम इसको V2 मानेंगे, V3 क्यों नहीं, बाबू V3 होता तो बगल में कोई ना कोई सहायक क्रिया होता, सी हज बाउट, जब तक सहायक क्रिया नहीं है तो V2 मानो, कुछ V2 और V3 सेम होते हैं, यहाँ गेम नहीं खेलना है, सीधे मुंडा है बराबर V2 है। V2 वाला हम डिडंट, अब डिडंट हम चुनेंगे पहले, और सब्जेक्ट कौन सी है, ही है तो ही होगा, डिडंट ही कहीं पर है, डिडंट ही है। नहीं होने का सवाल नहीं, रूल तेरे पास, यू चीटेड मी, आपने मुझको धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, चीटेड भी टू है, डिडंट प्लस यू, डिडंट यू कहां पर है, डिडंट यू। और राजू लर्नड इंग्लिश वेरी वेल, राजू अच्छी तरह अंग्रेजी सीख गया, भी टू है, डिडंट चुनेंगे, राजू मेल है ही डिडंट ही। देखो ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम को समाप्त कर लिया, फिनिश्ड भी टू है डिडंट, ही कही डिडंट ही। अब देखेंगे हम लोग, ये तो मुंडा भव सब था भी वन भी फाइव भी टू, जिसकी लीला समाप्त है। अब हेल्पिंग भव में इज आरम हो, आज वर हो, हैज एव होड हो, कैन कुड हो, मे माइट हो, विल हो, सेल हो, सुड हो, और ये सहायक क्रिया निगेटिव में भी आ सकता है, नोट के साथ, नो के साथ, नेवर के साथ, और अफर्मेटिव में आता है तो नो नोट नेवर वगैरह नहीं लगता है। जैसे यू आर फैट, तुम मोटे हो, हम इसको बोल सकते हैं यू आर नॉट फैट, तो एक तरफ हम अफर्मेटिव एक तरफ निगेटिव, अफर्मेटिव वाला में सहायक क्रिया प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म नट बनाना है, और निगेटिव वाला में नो नॉट नेवर को हटा देना, केवल सहायक क्रिया को ले जाना है, प्लस प्रोनाउन को रिपीट कर देना। देखो फिर से आओ चौथी रूल में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग भाव कोई भी हो, इज आर एम वाज प्लस से सब, चिंता नहीं करना, यही हेल्पिंग भाव को ले जाना, और प्लस इसमें नोट नो नहीं है तो नट लगा देना, और सब्जेक्ट को प्रोनाउन की तरह रिपीट कर देना। जैसे ही इज रीडिंग द रामायणा, और रामायणा पढ़ रहा है, इज है ना, इज को ले जाएंगे या नट लगाएंगे, इजंट, और प्लस ही, देखो इजंट ही, तुरंत वाज है तो वाजंट, राधा है तो सी, वाजंट सी, देखते हैं कहां पर है, वाजंट राधा, नाम रिपीट नहीं हुआ, वाजंट सी प्रोनाउन के रूप में।
हेमा कैन नॉट, कैन का शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव में कांट हो जाएगा, कांट, अहेमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, कांट सी, देखो, शुड है तो स्टूडेंट हो जाएगा, इसलिए चार्ट पहले बता दिया, स्टूडेंट, आई यू है तो यू होगा, स्टूडेंट यू, स्टूडेंट इट नहीं, प्रोनाउन को भी कमांड करना है, इसलिए चार्ट को हमने दिखा दिया, डू नॉट बराबर डोंट, इधर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बनाएगा, इधर देखो, ए विल बाय अ न्यू कार विल, और नॉट लगाने पर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म विलंट नहीं होता, वॉन्ट होता, वॉन्ट, अही कही, वॉन्ट ही, इसलिए चार्ट को पहले दिया, चार्टो, मस्ट का नॉट लगाने पर मस्ट नट, मस्ट नट, मस्ट नट यहाँ आ गया, और ही है तो ही, कुछ नहीं है मेरे बंधु, आई एम रनिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर दौड़ रहा हूँ, एम के साथ नोट लगाने पर शॉर्ट फॉर्म में एमंट नहीं होता, एमंट के बदले आरंट होता, और आई को आई रिपीट करेंगे, आई हैव मैनी कार्स, मेरे पास बहुत कार है, हैव का हैवंट, आई हैवंट, 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 आई, कितना मजा आ रहा होगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिया, अब देखो एक हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, नो, नट लग जाए या नेवर लग जाए, नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो उधर नेगेटिव नहीं जाएगा, उधर केवल सहायक क्रिया जाएगा, अब पहले सब्जेक्ट रिपीट कर देंगे प्रोनाउन के रूप में, जैसे ही इज नॉट, नॉट हटा दो, इज को ले जाओ, इज ले गए, इज के बाद ही होगा, इज ही, नेगेटिव में फिर से नेगेटिव नहीं खोजना है, राधा वाज नॉट, नॉट को हटा दो, वाज, और राधा के लिए सी, वाज सी, देखो कितना मजा आ रहा है, कैन नॉट में नट हटा दो, कांट, नॉट शॉर्ट नट हटा दो, कैन, कैन, और हेमा फीमेल है, सी, कैन सी, यहाँ शुड नॉट है, नॉट हटा दो, शुड, यू, शुड यू, शुड यू, शुड यू, शुड यू, मेरे बच्चे थोड़ी सी दिमाग तो चाहिए, पढ़ाई है, लड़ाई है, शैतानी करनी होगी, सीखनी होगी, एकदम रोल को बंधन कर लो, नहीं कैसे सीखोगे, हम फिर से लेके आएगा ज्यादा प्रश्न आपके टेस्ट एंड डिस्कशन क्लास जो 20 जून से शुरू हो रही है लाइव, ही विल नॉट बाय अ न्यू कार, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना, नॉट ऑलरेडी है, नॉट हटा देना, विल ले जाना, विल ही, क्योंकि नेगेटिव में अफर्मेटिव आंसर, अफर्मेटिव में नेगेटिव आंसर सहायक क्रिया वाला में, छठा मस्ट नॉट है, नॉट हटा दो, मस्ट ले जाओ, ही है, मस्ट ही, एकदम तुरंत मिलेगा, आई एम नॉट रनिंग ऑन द रोड, नॉट हटा दो, एम, आई, एम आई, एम आई, आई हैव नो मैनी कार्स, नो को हटा दो, हैव आई, ना करें पैसे की बर्बादी, आपको मिली आजादी, यूट्यूब पर कीजिए कोर्स, लगाइए अपना फोर्स, आप जब भी पीडीएफ की जरूरत हो तो पीडीएफ ना लेकर प्रिंटेड लीजिए, और हम आपको बीपीपी से भेज दें धीरे धीरे करके, लेकिन प्रिंटेड जो भी लीजिए, इकट्ठा बुक लेना चाहते हैं तो जुलाई के बाद लीजिए, न्यू वर्जन आ रही है, उसी को लिए तब तक पढ़िए, देखिए, ठीक है ना, धन्यवाद। चमकता बिहार, चलता बिहार, खराए कुमार, चलिए।